नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल और सब ठीक ठाक। तो यार चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने न्यूज पर। तो बच्चों और बड़ों प्रणाम। तो चलिए रेडमी से, तो रेडमी के नोट 10 प्रो की भाई प्राइस बढ़ने वाली है भाई, फिर से बढ़ने नहीं यार बढ़ा दी गई भाई 500 रुपये। मैंने कहा था ना भाई 2000 जिस दिन बढ़ेगा आप लोग मत खरीदना भाई, तो क्या कहते हैं आज भाई 2000 बढ़ गई है। अगर आपको मन है तो वही खरीदेगा, मैं किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर भाई अगली बार कहते हैं SSC, तो SSC कहते हैं नहीं, कहते मदरबोर्ड निकालने वाला भाई समथिंग बोली जा रही है, ROG RX समथिंग ऐसे ही है, RX 100 नहीं बट RX है। तो बोली जा रही कहते यार समथिंग विंडो 11 अपडेट के साथ आएगी, तो देखते कहते यार क्या 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 फीचर्स रहेगी, वो तो विंडो 11 बताई गई है। और बाकी कहते हैं क्या लीक लगेगी, मतलब समझ लो मदरबोर्ड्स का कहते क्या क्या सिस्टम वर्क करेगा, वो तो अलग ही बात है, गेमिंग के लिए बनाया गया है तो ठीक ही है। फिर भी एक बार कहते हैं शाओमी से, तो शाओमी कहते हैं लीड करने वाला थोड़ी सी स्मार्टफोन सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केटिंग को कब्जा करने वाला है। तो बोला जा रहा है कि भाई कहते हैं सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की मार्केटिंग अगर ले रहा है तो भाई लगता है स्मार्ट सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बेचेगा, तो ये चाइना में होने वाला है, ये तो भाई इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में सालों लग जाएंगे सेकेंड हैंड लेने के लिए, देखते हैं। फिर भी एक बार कहते हैं वन प्लस से, तो वन प्लस में भी लॉन्च करने वाला है समथिंग, कहते बोला जा रहा है कि जल्द ही लॉन्च करेगा, दिखाया जाएगा भाई वन प्लस टैब। तो देखते आ गए थे, अभी तो बस खाली कहते एक लोगों से पता चला है भाई कहते ये वन प्लस का टैबलेट चलाने वाला। फिर भी एक लिए कहते यार अब भाई कहते हैं IT से, मतलब समथिंग कहते बोला जा रहा है अगर एक कंट्री से भाई अपनी कंट्री इंडिया में, तो इंडिया में कहते भाई कहते कुछ चार नए कंपनियां कहते हैं बोला गया है क्या कहते कुछ नए डेवलप के लिए IT डेवलप के लिए कहते बोला जा रहा है भाई चार कहते नए नए कंपनी आएंगी, जो कि आप जानते हैं भाई कहते चार कंपनियों को मिलकर बनाया जाएगा समथिंग बोला जा रहा है। डेल एक ही कंपनी का भी क्या कहते हैं नाम लिया गया है, बट देखते हैं शाओमी है भी वो समथिंग शाओमी है, वीवो की कंपनी तो शाओमी आता है। और फिर कहते देखते हैं क्या क्या आती है भाई, HP आ जाएगी या तो कहते हैं आपकी वो आ सकती है, एप्पल भी आ सकती है, तो अभी तो पता नहीं है। बट बोली कि ये चार कंपनियां मिला के मैं कहते एक IT डेवलपमेंट कहते सिस्टम स्टार्ट करूंगा, जो कि कहते थोड़ा सा डेवलपमेंट इंडिया ग्रो होगा और बाकी कहते नौकरी बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है। फिर भी एक लिखा कहते हैं वन प्लस से, तो वन प्लस नॉट 2 की कहते हैं लॉन्च डेट आ गई है लगभग 24 जुलाई को, तो क्या कहते हैं 24 जुलाई को अपने इंडिया में कंफर्म नहीं है बट बाहर ही कंफर्म है कि 24 जुलाई को आएगी, तो अच्छी बात है। फिर भी एक लिखा डीजो से, तो डीजो की स्टार 300 यार और 500 लॉन्च होगी यार इंडिया में, जो कि मैं प्राइस बताऊँ भाई, जो स्टार 300 की प्राइस है लोगों के लिए 1299 रुपये और स्टार 500 प्राइस है 1799 रुपये। 4G फ़ोन है, अपग्रेड करके आती है भाई, तो अच्छी फ़ोन थी, या कि भाई ये कहते हैं मैं बात करूँगा अगर फ़ोन अच्छी चलेगी तो पता चला भाई जियो को टक्कर भी दे सकती है, जियो फ़ोन को भी, तो अच्छी बात रहेगी। फिर भी एक लिखा कहते हैं भविष्य, तो अभी ऑफिशियल यार लॉन्च करने वाले भाई कहते हैं दिखा रही भाई 6 जुलाई को यार लॉन्च होगी वावे मैट पैड 7 की बात हुई थी, अब मैट पैड 11 की बात हुई है, तो देखते कहते यार वही आएगी भाई Snapdragon 865 के साथ, किरण नहीं लगेगी और हाई सिलिकॉन किरण नहीं लगेगी। अगर आप इसे स्नैपड्रैगन भाई वर्सेस नहीं देखे हो तो अब जाइए कहते हैं स्नैपड्रैगन वर्सेस किरण वर्सेस एप्पल भाई, एप्पल की सीरीज की भाई टॉप 15 जाइए आप देखिए कहते यार वीडियो मिल जाएगी, तो ठीक है यार। फिर भी एक लिखा कहते हैं नोकिया से, तो नोकिया यार लॉन्च कर दिया कहते यार न्यू फ्लैगशिप फोन यार लॉन्च करने वाली है, लॉन्च नहीं किए भाई, मतलब मेरी वजह से कहते आप तुरंत पढ़ ली तो क्या भाई मैग लॉन्च करने वाली है, वाओ। तो यार लॉन्च करने वाले कहते यार न्यू फ्लैगशिप फोन जो कि यार चाइना में और बोला जा रहा है लगभग कहते हैं नवंबर के पहले एक नई फोन आने वाली है समथिंग 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ नोकिया की, तो यार बात रहेगी देखते हैं कब आती है। फिर भी एक लिखा कहते हैं शाओमी की फिर से, तो शाओमी MI Pad 5 एंड MI Mix 4 एंड MI UI 13 एंड MI CC 11 CC 11 जो कि आएगी Redmi Note 11 समथिंग, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ भाई 11 आने वाली है, जो क्या कहते हैं बड़े कहा था ना अभी एक स्केच बनाया गया था उसी हिसाब से पता चला कि CC 11 आने वाली है, देखते हैं क्या धूमधड़ाका होती है। तो यार लॉन्च हो गए थे लगभग मिड अगस्त में, तो देखते हैं। फिर भी अगले कहते ओप्पो से, तो ओप्पो Reno 6Z लॉन्च होगी भाई कहते हैं आपकी 21 जुलाई को, जो कि भाई थाईलैंड में, और यहाँ तो अभी बात नहीं गई है, अभी तो यहाँ Reno 6 और 6 Pro की बात हुई है, तो देखते हैं 6Z का आज लॉन्च होती है। फिर भी अगले ओप्पो से, तो ओप्पो Reno 6S की एक न्यू पर्पल स्टार कलर आने वाली है भाई 6S में,
सो की बोली जा रही है कि कुछ बारबी डॉल फीचर, मतलब बारबी डॉल जैसा कहते एक बॉक्स दिया गया है जो कि उसमें कपड़ा भी है। अभी पता नहीं चल रही है, देखिए इस टाइप में जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसी टाइप में समथिंग बारबी डॉल का एक फीचर्स मोमेंट दिया है, तो देखते हैं। फिर भी एक बार रियलमी से, तो रियलमी डिजिटल जो टेक लाइफ कंपनी है उन्होंने बोला है कि भाई कहते यार अब मैं बनाऊंगा स्मार्टफोन्स जो कि अगर टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स अगर यार देखते हैं लगभग जैसे लग रहा है हमको कि स्क्वायर शेप में कहते आपका कैमरा रोल आएगा और अदर ही फीचर्स रहती है जो कि पता चल रहा है भाई कहते समथिंग, देखते हैं कहते क्या पता चलता है, बाकी आते रहेगी न्यूज। फिर भाई लिखा कहते हैं अभी नोकिया से, तो नोकिया की Z20 की प्राइस लिख हो गई है, लॉन्च हुई समथिंग बोली जा रही 7 जुलाई को, तो यार वहाँ 7 जून को यार लॉन्च हुई थी, यहाँ 1 महीने बाद आ गई इंडिया में, तो अच्छी बात है कहते यार इंडिया में आ गई। Z20 की प्राइस बोली गई है 12,999 रुपये, तो हम 1 रुपये छोड़ के 1 रुपये में पहुँच जाता है, बट हम 1 रुपये ऐड करके 13,000 रुपये बोलते हैं, तो अच्छी बात रहेगी। और स्पीड है स्नैपड्रैगन 662 और 6.5 इंचेस की डिस्प्ले और 5,550 mAh की बैटरी, अच्छी बात है। फिर भी एक लिफर अब भाई कहते हैं वन प्लस से, अब वन प्लस कहते हैं बोली है कि अब ओप्पो मेरे ही पार्ट में आएगा, मतलब वन प्लस के अंडर में अब ओप्पो भी आएगा। तो एक वीडियो साझा किया गया जो कि आप वीडियो देख रहे हो, तो उसमें साझा किया गया कि हाँ भाई अब मेरे पार्ट के अंदर आएगा मेरा स्मार्टफोन्स वन प्लस के स्मार्टफोन से बराबर ही रहेगा, ना कि भाई अलग ही रहेगा। तो ये अच्छी बात है कहते हैं पार्टनरशिप करके कहते हैं एक न्यू ब्रांड और इको ब्रांड स्टार्ट करने वाला है, तो मैं कहूँगा भाई वन प्लस ओप्पो ठीक है। फिर भी एक देखो शॉमी से, तो शॉमी कहते जो 200 वाट की चार्जिंग निकालने वाली है उसने बोला है कहते यार मैं भी अगर एक कंपनी बनाने वाली है मेरी जो चार्जिंग है उस चार्जिंग बनाएगी भाई समथिंग बोली जा रही है कि Nuvolta कंपनी है, को Nuvolta टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने बोला भाई कहते हैं हम इसकी चार्जिंग बनाएंगे, एक मे भी दिया गया है कि हाँ भाई ये बनाएगा, तो ये अच्छी बात है। फिर भी एक देखो कहते हैं अब टेस्ला से, तो टेस्ला क्या कहते हैं मॉडल एस जो न्यू मॉडल आई थी भाई कहते हैं टेस्ला की भी न्यू कार आई थी मॉडल एस सीरीज की, तो भाई कहते हैं उसमें भाई आग लग गई है, तो बोला जाता भाई कहते हैं ये भाई कैसे हुआ है ये समथिंग अलग ही क्या कहते लेवल हो गई भाई, रहता सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या तो कुछ और प्रॉब्लम थी, तो इसने भाई कहते बोला गया भाई एक बेन मैसेलविस एक ने ट्वीट किया था भाई एक आदमी ने ट्वीट किया था बेन मैसेलविस ने ट्वीट किया था जो कि भाई बताया जा रहा भाई कहते पेनिसविलिया का रहने वाला है, उन्होंने बोला कि अचानक मैं कार चला रहा था और अचानक आग लगी कार में, ये भाई अलग ही बात है टेस्ला की बात है, तो अच्छी बात है। फिर भी एगलीफा कहते हैं वावे से, तो वावे की एम पेंसिल 2 आने वाली है कहते हैं चाइना में, जो क्या कहते हैं बोली जा रही है कि M40 सीरीज में आप मतलब सपोर्ट करेगी, और जो प्राइस बोली गई है समथिंग बोली जा रही है कि $93, तो डॉलर है अच्छी बात है डॉलर इतना पहनिए ठीक है। फिर भी एगलीफा वावे से, तो वावे बैंड 6 एंड एक नई नई क्या कहते हैं बच्चों के लिए कहते हैं स्मार्ट डिस्प्ले समथिंग बोली जा रही है कि एक नई वॉच भी आ सकती है, तो क्या कहते हैं लैपटॉप आ सकती है इस बच्चों के लिए, और जो बोली जा रही है क्या इस मंथ के लास्ट में आ सकती है, तो ये देखते कब आती है। फिर भी एक बार चाइना से, तो चाइना स्मार्टफोन सेल यार रिकॉर्ड कर दी भाई 7% इंक्रीज कर दी अपनी स्मार्टफोन्स के मामले में, तो चाइना में बात है तो लगभग कहते यार इस नंबर पे आती है भाई, नंबर वन पे Huawei है जो क्या कहते हैं स्मार्टफोन्स के मामले में, और जो टैब के मामले में है वो भाई कहते हैं एप्पल ही बट अच्छी बात है। फिर भी एक बार कहते यार TCL से, तो TCL की Breva एयर प्योरीफायर्स लॉन्च हो गया है चाइना में, जो कि एक्सपेंसिव बोली गई है भाई कि एक एक्सपेंसिव एयर प्योरीफायर है जो कि 99.7% एयर प्योरीफायर आपको देगा, तो अच्छी बात है भाई हाँ हवा को ताजी लीजिए। प्राइस बोली जा रही है $44.99 जो कि $44.45 में एक्चुअली लूँगा। फिर भी अगली फोर व्यू से, तो वीवो की नेक्स्ट फोल्ड आने वाली है, और जो कंपनी द्वारा कहा गया कि वीवो की नेक्स्ट फोल्ड मतलब नेक्स्ट 5 सीरीज नहीं रहेगी, वो हमें लग रहा है वीवो की नेक्स्ट फोल्ड 3 प्रो समथिंग आ सकती है, बट नहीं 3 प्रो तो यार लॉन्च हो गई है, तो देखते हैं कि क्या नाम आती है वो तो बाद में देखा जाएगा। फिर भी अगली फोर नेटफ्लिक्स से, तो नेटफ्लिक्स एक लॉन्च कर दिया है न्यू प्रीपेड मॉडल मतलब प्रीपेड रिचार्ज मतलब समझिए कहते बोला जाता है जैसे मेंबरशिप लो नेटफ्लिक्स का तब चलाओ, तो इसी नया कहते बनाया भाई नाइजीरिया में और अदर कंट्री में, पर देखते हैं कहते इंडिया में शायद अगले महीने कहते यार नए नए कह कहते प्लान मेंबरशिप लॉन्च करेगा, तो अच्छी बात रहेगी। फिर भी अगली बार वन प्लस से, तो वन प्लस की नॉट सी ई 5G में यार अपडेट आ गई है जो कि हाल फिलहाल में यार आपके लॉन्च हुई थी, तो मजा आ जाएगा जो लोग अपडेट किए हैं तो उन लोग कहना बाकी भाई कहते जाइए आपको कैमरा मूवमेंट एक बार देखिए फीचर्स दिखे सेटिंग देखिए समथिंग जो लोग आप लोग परचेस भी किए जो यार अपडेट करो।
फिर भी एक फिर कहते हैं सैमसंग थी, तो सैमसंग की अगर कहते अनपैक्ड इवन सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवन आने वाली भाई समथिंग बोली जा रही कि अगस्त में, जो कि यार मैं बात करूँगा 11 अगस्त को कहते हैं लॉन्च होगी शायद, हाँ अनपैक्ड इवन 11 अगस्त को लॉन्च होगी। और साथ में बताता हूँ भाई सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप जो क्या कहते हैं यार एक नए नए कहते हैं एडिशन में आ गई है, बोला जा रहा है कि थॉम ब्राउनी लिमिटेड एडिशन आने वाली है, तो जिस दिन लॉन्च होगी ये भी लॉन्च होगी, तो बड़ा अच्छे से कहते फ्लैग एडिशन में दिया गया जैसे लगता है फ्लैग लगा लगा पीछे में, तो अच्छी बात रहेगी। फिर भी एक लेखक कहते हैं अब शॉमी से, तो शॉमी कहते हैं यार न्यू अब भाई न्यू नहीं है ये पुरानी हुई, ये भी पुरानी है थोड़ी सी पुरानी हुई, तो बोले यार MI 11 Ultra क्या कहते हैं यार आ गई भाई रजिस्ट्रेशन करने वाले भैया, जो लोग जाओ यार MI 11 Ultra परचेस करना जाइए आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, और फिर अगर उसमें बोला अगर गिफ्ट कार्ड से आप खरीदते हो तो 2000 रुपये आप माइनस करोगे, और अगर MI ID से खरीदते हो बोले जैसे MI ID में गिफ्ट कार्ड फ्री मिलता है उसी में 2000 रुपये निकल भी सकता है, और जो बोला जा रहा है कि MI ID से अगर खरीदोगे तो वही चीज़ है, और समथिंग पेमेंट कीजिए HDFC से समथिंग, जो भी आपको लोन लेना है चुकाना पड़ेगा ठीक है भैया। फिर भी एक लिए फास्ट एंड फ्यूरियस से, तो फास्ट एंड फ्यूरियस 9 कवर कर लिए भाई, लगभग कहते कमा लिए भाई $500 मिलियन, हाँ भैया $500 भैया, हाँ $500 नहीं $500 मिलियन लगभग जो प्राइस मिली है ये 3,237 करोड़ मैं मान के चलूँगा, इतनी करोड़ कमाई है तो यार अच्छी बात है भाई, कहते यार मज़ा आ जाएगी यार, अभी तो यहाँ लॉन्च हुई है इंडिया में लॉन्च हुई थी तो भैया लगभग हमें लग रहा है 1,000 मिलियन करोड़ कमा ली थी, अच्छी बात है। फिर भी एक लास्ट होते यार दी विचेस से, तो विचेस गेम है तो उसका कहते यार नए आने वाला भाई एंड्रॉयड और iOS वर्जन में रिलीज होने वाला है, जो कि बोली जा रही है कि द विचर अगर कहते यार गूगल प्ले स्टोर पर अगर कहते 21 जुलाई को प्ले स्टेशन आएगी उसमें, तो विचर में अगर बड़ा अच्छा अच्छा गेम मतलब विचर एक अच्छा गेम है तो अच्छी बात रहेगी। तो ठीक है यार आज के लिए इतना ही, कल नए न्यूज़ के साथ बढ़ जाते हैं, लाइक कीजिए और यार सब्सक्राइब कीजिए, और खबर कौन सी अच्छी लगी वो कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। तो ठीक है यार।